यहाँ बात हमारी अवानी जी की शादी की नहीं है, बात हमारी दादी के एक्सीडेंट की है, जो आपकी बेटी की वजह से हुई है। तो बताइए वानी जी, क्या किया आपने हमारी दादी के साथ? कैसे हो सकती है? इनका पैर फिसल गया, झूठ बोल रही है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। झूठी आप है और कितने झूठ बोलेंगी आप? पहचाने कब से हमारे साथ खेल खेल रही है और अभी तक हमारे साथ चाल चल रही है और आप अभी भी वही कर रही है। अगर ऐसी बात होती तो उस दिन मैं इनसे ये बात क्यों छुपाती कि मैं राघव की पत्नी हूँ? वो मैं ही थी जो तुम्हारी दादी के दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी दादी को जान से मारने की कोशिश की। अरे तुम्हारे लिए मैंने इनसे ये बात छुपाई कि तुम्हारी वजह से राघव को उसी के घर से निकाल दिया गया। ट्रैवल एजेंसी का मालिक खुद बस ड्राइवर बन गया, लाखों का तनख्वाह बांटने वाला आदमी खुद 100-100 रुपए के लिए धूप में सड़ रहा है। दूसरे को लोग दादी ने बोला तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे मिसरी और आपको बहुत खुश है, सुखी है। किस मुंह से बताती? इसने खुद ही राघव की जिंदगी को नरक बना दिया है और अब इसकी दादी मेरी जिंदगी बर्बाद करने भी तुली हुई है। जिसको जो समझना है समझे, मैंने इनको धक्का नहीं मारा है, ये खुद फिसल के गिरी थी। और हाँ, राघव की पत्नी मैं हूं और ये सच कोई नहीं बदल सकता, मिश्री तुम खुद भी नहीं। आप ऐसे ही रोती करती रही अपने ये बेचारी और पीड़ित बनने का नाटक, क्योंकि आपके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। हम सच का पता लगाएंगे, हम वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे जहां हमारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं तुम्हें जेल छोड़ कर आऊंगा।